हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, मैं हूं शिवानी और आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया का मसालेदार प्रोग्राम बॉलीवुड गपशप। और वक्त हो गया है बॉलीवुड की ताजा चटपटी और मसालेदार खबरों से रूबरू होने का। तो देर किस बात की, चलिए करते हैं शुरुआत बॉलीवुड की खास खबरों के साथ। गुम है किसी के प्यार में, भाई लीजिए आज तो सही यहाँ बहुत खुश है क्योंकि ससुर जी ने गले जो लगा लिया है वो क्या है ना, जिनके सामने आपका हर काम उल्टा पड़ रहा हो, अगर वो आपको सामने से आकर शाबाशी दे, गले लगाए या फिर आपको देखकर मुस्कुराए, यकीन मानिए दिन बन जाएगा। आंखें एक बार फिर से मल लीजिए तो जरा, कहीं ये खुली आंखों का सपना तो नहीं। अगर वाकई आपको यकीन नहीं हो रहा कि जो नजारा आप देख रहे हैं वो हकीकत है या सपना, तो एक काम कीजिए, एक बार अपनी आंखें फिर से मल लीजिए, वही दिखाना जो पहले दिख रहा था। जी हाँ, ये वही ससुर जी हैं सई के, जो दिन रात उसे कोसते रहते थे और उसे खरी खोटी सुनाते थे। फिर अब देखिए, जब बहुरानी सई ने अपने बाबा के दिल की बात सुनी और समझी, तो उसने वही किया जो सालों पहले निनाद नहीं कर पाया था। अब सई के बर्थडे पार्टी में आपने देखा ही होगा कि निनाद ने कितना बढ़िया गाना गाया। गाने का शौक तो है उसे, लेकिन कभी उसने अपना शौक पूरा नहीं किया और सही ये बात समझ गई। उसने पैसे इकट्ठा किए और हारमोनियम लेकर आई। फिर क्या था, सही ने जो किया उसके लिए प्यार से गले लगाना तो बनता ही था। सो देखिए, ससुर जी ने उसे प्यार से गले लगा लिया। अब इधर प्यार बरस रहा है तो कहीं जलन भी हो रही है। पाखी को तो बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा कि निनाद काकू कभी ऐसा भी कर सकते हैं। खैर, वो कुछ बोलेगी तो नहीं क्योंकि उसने कोई गलत काम नहीं किया है। और रही बात घर वालों को नहीं बताने की कि वो इतने पैसे लेकर कहाँ चली गई थी, और अब सई लौट आई है और इतना अच्छा काम कर दिखाया है, तो भाई सई की गलतियां माफ तो होगी ही। कुंडली भाग्य के प्रीता और करण के बीच आ गया है कोई तीसरा। अब सीरियल की कहानी में कोई तीसरा आ ही जाता है, जिसे कहते हैं ना पति पत्नी। और वो वैसे ये तो हर सीरियल की कहानी है, जब तक तीन का तड़का नहीं लगता तब तक साजिश नहीं बनती, और जब तक साजिश नहीं बनती तब तक कहानी में मजा नहीं आता। तो फिलहाल आइए देखते हैं लव ट्रायंगल की ये कहानी। करण और प्रीता की जिंदगी से मायरा तो चली गई, लेकिन अब ये क्या, अब ये सोनाक्षी कौन है जो अब इन दोनों के बीच में आ गई है। अब यहाँ मामला तो कुछ गड़बड़ ही लग रहा है। वैसे आपको बता दें कि सोनाक्षी कोई और नहीं बल्कि करण की कॉलेज फ्रेंड है। कॉलेज में इन दोनों का खूब याराना हुआ करता था। अब आज सोनाक्षी आई है लोथरा परिवार में अपनी शादी का न्योता देने। अब प्रीता से वो पहली बार मिली है और प्रीता उसे बहुत पसंद आई है। जैसा कि आम तौर पर होता है कि हम अपने दोस्त से मिलते हैं तो भाई उससे ढेर सारी बातें करते हैं और उसके पुराने राज भी खोलते हैं, और अब सीरियल में सोनाक्षी भी बस वही कर रही है। अब प्रीता करण और सोनाक्षी की दोस्ती पर मुस्कुरा रही है क्योंकि प्रीता ये बात समझ गई है कि ये दोनों सच्चे दोस्त हैं। लेकिन जहाँ तक हमारा तजुर्बा है कि कहानी में ट्विस्ट सोनाक्षी ही लेकर आएगी। जब वो प्रीता के साथ रहने लगेगी और करण को इतने सालों बाद इतने करीब से देखेगी, तो क्या पता किसकी नीयत कब बदल जाए। अब डेली सोप है और ऊपर से नया किरदार आया है, तो नया ट्विस्ट भी लेकर आएंगे। अब थोड़ा बहुत आने वाले ट्विस्ट के बारे में तो हमें पता है, लेकिन अभी हम आपको नहीं बताएंगे क्योंकि सीरियल में सस्पेंस ना हो तो मजा कहाँ। और तब तक जरा हम भी इस ट्विस्ट को पक्का कर लेते हैं, उसके बाद आपको जरूर बताएंगे। आज के बाद हम दोनों कभी नहीं मिलेंगे। अरे मतलब आप और हम तो मिलते ही रहेंगे, हम क्यों नहीं मिलेंगे भला, क्योंकि हमारी जिंदगी आगे नहीं बढ़ती आपसे मिले बिना। लेकिन 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 कुछ ऐसा ड्रामा हो रहा है ये है चाहते में, जहां प्रीता और रुद्राक्ष की आखिरी मुलाकात हो रही है। लेकिन हाँ, आप चिंता मत कीजिए, अगर हीरो हीरोइन आखिरी बार मिलेंगे तो कहानी कैसे आगे बढ़ेगी। लेकिन फॉर द मोमेंट अरे सब भूल जाइए और बस इनके जुदाई के दर्द को फील कीजिए। रुद्र और प्रीशा की ये आखिरी मुलाकात है। अब ये सुनकर जब दर्शकों को इतना बुरा लग रहा है तो सोचिए इन्हें कितना बुरा लग रहा होगा। अब जब सारांश इस दुनिया में नहीं रहा तो हम कैसे साथ रह सकते। आखिरी बार प्रीशा और रुद्र एक दूसरे से मिलने आए हैं। हालांकि रुद्र ने बहुत कोशिश की प्रीशा को मनाने की और ये बात समझाने की कि भले ही सारांश इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन हम दोनों तो साथ रह सकते हैं क्योंकि सारांश भी तो यही चाहता था। अब प्रीशा के सामने कोई वजह नहीं बचा। माना कि वो रुद्र से बहुत प्यार करती है,
लेकिन उसे अपनी आगे की जिंदगी अरमान के साथ बितानी है। खैर ये सीक्वेंस तो बहुत दुखद भरा लग रहा है। अब आगे देखना होगा कि जब रुद्र और देविका की शादी होगी तो उस पल को प्रीशा अपनी आंखों से कैसे देख पाएगी। अब ऐसे में कोई भी पत्नी अपने पति को किसी और का होता नहीं देख सकती। ये खबर बिग बॉस के दर्शकों के लिए है। जी हाँ, इस बार बिग बॉस 15 को करण जौहर होस्ट करते हुए नजर आएंगे। अरे आप टेंशन मत लीजिए, ये खबर OTT प्लेटफॉर्म वोट की है, जहाँ बिग बॉस सीजन 15 24/7 टेलीकास्ट होते नजर आने वाला है। और सबसे शॉकिंग और इंटरेस्टिंग खबर ये है कि अब इस शो को होस्ट करेंगे करण जौहर। जी हाँ, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। टीवी का सबसे बड़ा रियलिटी शो बिग बॉस का 15वां सीजन दस्तक देने को तैयार है। हाल ही में ईद के मौके पर शो का पहला प्रोमो रिलीज कर दिया गया है। अब दर्शक इस सीजन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और वहीं इस बार का बिग बॉस वैसे भी फैंस के लिए कुछ खास होने वाला है। जी हाँ, पहली बार ऐसा होगा कि शो का प्रीमियर टीवी पर नहीं बल्कि OTT पर होगा। दरअसल पहली बार बिग बॉस OTT पर प्रीमियर होने वाला है, यानी शो के पहले 6 हफ्ते OTT पर दिखाए जाएंगे। और इसके साथ ही बिग बॉस के फैंस के लिए एक और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। और खबर ये है कि शो के पहले 6 हफ्ते जो कि OTT पर दिखाए जाएंगे, उसको सलमान खान होस्ट नहीं करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इस शो को बॉलीवुड के फेमस निर्माता और निर्देशक करण जौहर होस्ट करेंगे, यानी कि शो के पहले 6 हफ्ते सलमान की जगह करण करेंगे दर्शकों का खास अंदाज में मनोरंजन। हाल ही में इस खबर की पुष्टि करते हुए तरण आदर्श ने एक पोस्ट शेयर किया है। इस पोस्ट को शेयर करते हुए तरण ने लिखा, करण जौहर वूट पर बिग बॉस OTT होस्ट करेंगे और इसका प्रीमियर 8 अगस्त को है। वही वूट ने हाल ही में बिग बॉस OTT के प्रीमियर की घोषणा की है और शो के पहले 6 हफ्ते के एपिसोड दर्शक सीधे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख सकेंगे। खास बात यह है कि दर्शक शो को 24/7 देख सकते हैं। मेकर्स द्वारा इस ऐलान के बाद से ही दर्शक काफी एक्साइटेड हैं। इसके साथ ही सलमान खान ने भी बिग बॉस सीजन 15 का पहला प्रोमो रिलीज किया था, जिसमें सलमान खान हंसते हुए दर्शकों को वार्न करते नजर आए थे, जिसमें वो कहते हैं, इस बार का बिग बॉस इतना क्रेजी, इतना ओवर द टॉप होगा कि टीवी पर तो बैन हो ही जाएगा। टीवी पर मैं होस्ट करूंगा वूट में सूट में, ताकि उससे पहले आप देखो वूट पे, तो मैं आपसे मिलूंगा टीवी पर। यानी इस बार दर्शकों का मनोरंजन ओवर द टॉप होने वाला है। एक बार फिर से पर्दे पर फिल्माया जाएगा एक और क्रिकेटर की जिंदगी। जी हाँ, अब इस बार क्रिकेट के महाराज सौरभ गांगुली की कहानी को बड़े पर्दे पर उतारने की तैयारी है। इन दोनों हर जगह सौरभ गांगुली की बायोपिक की चर्चा है। वहीं गांगुली ने भी अपनी बायोपिक के लिए हरी झंडी दे दी है। हालांकि उन्होंने अपने बायोपिक को लेकर ज्यादा खुलासे नहीं किए हैं। वैसे सौरभ गांगुली की बायोपिक की बात सामने आते ही लोगों को याद आ गई एक बेहद चर्चित लेकिन अधूरी प्रेम कहानी। आइए जानते हैं सौरभ की अधूरी प्रेम कहानी। वो प्रेम कहानी जिसके किरदार थे खूबसूरत फिल्म अभिनेत्री नगमा और क्रिकेट की दुनिया में बंगाल टाइगर के नाम से मशहूर क्रिकेटर सौरभ गांगुली। वो भी एक दौर था जब क्रिकेट के मैदान पर धुआंधार बैटिंग करने वाले सौरभ गांगुली का दिल खूबसूरत नगमा के हाथों क्लीन बोल्ड हो गया था। जी हाँ, शॉकिंग बात तो ये थी कि तब सौरभ शादीशुदा थे। नगमा के प्यार में वो ऐसे डूबे थे कि अपनी पत्नी डोना गांगुली को तालाक देने के लिए भी तैयार हो गए थे। अब हाल ही में सौरभ गांगुली की बायोपिक के शोर के बीच सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स ये सवाल भी पूछ रहे हैं कि क्या इस फिल्म में सौरभ और नगमा की कंट्रोवर्शियल लव स्टोरी को दिखाया जाएगा, या फिर जिस तरह से आज तक सौरभ गांगुली इस लव स्टोरी पर चुप्पी साधे रहे हैं, ठीक वैसे ही उनकी बायोपिक से भी नगमा का चैप्टर डिलीट कर दिया जाएगा। खैर, इन सवालों का जवाब तो आने वाले वक्त में ही मिलेगा, क्योंकि फिलहाल तो सौरभ के इस ड्रीम प्रोजेक्ट का काम शुरुआती स्तर पर है। लेकिन तब आपको बताते हैं नगमा और सौरभ की उस लव स्टोरी के बारे में, जिसकी वजह से डोना गांगुली की बसी बसाई गृहस्थी उजड़ते उजड़ते बची थी। दरअसल वो दौर था 90 के दशक का। जी हाँ, जब साल 1999 में क्रिकेट वर्ल्ड कप के दौरान नगमा और सौरभ गांगुली की मुलाकात हुई थी।
दोनों के प्यार को परवान चढ़ने में देर नहीं लगी थी। दोनों के बीच मुलाकातों का सिलसिला बढ़ते गया तो इश्क के इस आग का धुआं मीडिया से भी नहीं छुप पाया। शॉकिंग बात तो ये थी कि नगमा के प्यार में गिरफ्तार होने से 2 साल पहले यानी कि साल 1997 में गांगुली ने अपने चाइल्डहुड स्वीटहार्ट डोना रॉय से शादी की थी, वो भी परिवार वालों की नाराजगी मोल लेकर। अब ऐसे में सौरभ का नगमा के प्यार में पड़ना हर किसी को हैरान कर गया था। कहा जाता है कि सौरभ नगमा के प्यार में इस कदर पागल थे कि पत्नी डोना को तालाक देने के लिए भी तैयार हो गए थे। सौरभ और नगमा के इस अफेयर की खबर जब गांगुली परिवार तक पहुंची तो घर में तूफान आ गया। एक तरफ गांगुली की शादी दांव पर लग गई तो वहीं दूसरी तरफ सौरभ की क्रिकेट परफॉर्मेंस भी लगातार खराब होने लगी। भारतीय टीम और सौरभ गांगुली के खराब प्रदर्शन का जिम्मेदार फैंस नगमा को ठहराने लगे। जाहिर से बात है इसका असर नगमा और सौरभ के रिश्ते पर भी पड़ा। नतीजा ये हुआ कि सौरभ गांगुली ने नगमा के साथ अपना रिश्ता तोड़ते हुए उनसे दूरियां बढ़ा ली। नगमा टूटे दिल के साथ रह गई। सौरभ गांगुली ने कभी नगमा और अपने रिश्ते को पब्लिकली कबूल नहीं किया था। वहीं सौरभ गांगुली का नाम लिए बिना ही नगमा ने एक इंटरव्यू में माना था कि तब अन्य चीजों के अलावा एक करियर भी दांव पर था, इसलिए एक को पीछे होना पड़ा। मोहब्बत बरसा देना तू सावन आया है। जी हाँ, सावन की शुरुआत तो हो चुकी है और आज सावन का पहला सोमवार भी है। अब सावन का महीना है तो बरसात का मजा तो होगा ही। अब ऐसे में दिल कुछ उन बेहतरीन गानों की तलाश में निकल पड़ता है जो आपके लिए बारिश के मजे को और दुगुना कर दे। ये गाने भले ही आपको बारिश में भिगा तो नहीं सकते, लेकिन हाँ आपको सावन का एहसास जरूर दिला देंगे। तो आज हम आपके लिए बारिश के उन्हीं बेहतरीन और यादगार गानों की लिस्ट लेकर आए हैं जो आपके इस मौसम को और भी रंग भर देंगे। बॉलीवुड के रोमांटिक गानों में से एक सावन आया है फिल्म क्रीचर 3D से है। फिल्म के इस गाने ने कई प्यार करने वालों के दिलों में एक आग जला दी थी। गाने में बिपाशा बासु और इमरान अब्बास नकवी की बेहद ही रोमांटिक केमिस्ट्री देखने को मिली थी। वहीं फिल्म श्री का गाना प्यार हुआ इकरार हुआ, बारिश के वक्त इस गाने को सुने बिना किसी का दिन पूरा नहीं होता। जी हाँ, गाना भले ही ब्लैक एंड व्हाइट हो लेकिन गाने में राजकुमार और नरगिस की टाइमलेस केमिस्ट्री लोगों को आज भी लुभाती है। वहीं फिल्म अंदाज का गाना आएगा मजा अब बरसात का। अंदाज फिल्म का प्रियंका चोपड़ा और अक्षय कुमार का एक ये गाना आज भी लोगों को बहुत पसंद आता है। सावन हो या फिर बारिश, इसके बिना किसी की प्लेलिस्ट पूरी नहीं होती। जी हाँ, गाने में दोनों का काफी बोल्ड अवतार नजर आया था। दोनों की केमिस्ट्री भी फैंस को खूब पसंद आई थी। वहीं फिल्म अजनबी का गाना भीगी भीगी रातों में बारिश में मस्ती के मूड को बरकरार रखने के लिए आप ये गाना जरूर सुन सकते हैं। राजेश खन्ना और जीतन अमान का ये गाना एक जुदाई का एहसास दिलाता है जो आपको एक अलग ही दुनिया की याद दिला देता है। फिल्म मोहरा से टिप टिप बरसा पानी, बारिश में रवीना का ये गाना अभी तक का सबसे बोल्ड गाना है। गाने में पानी में भीगती हुई रवीना को देखकर सभी के पसीने छूट गए थे। तो अगर आप भी बारिश के इस मौसम में बिंदास और रोमांटिक होना चाहते हैं तो ये गाना आपके लिए ही है। वही फिल्म रोटी कपड़ा और मकान से गाना हाय हाय ये मजबूरी, इस गाने के बिना तो पूरा सावन ही अधूरा है। सावन के मौसम में भी कोई अपने पार्टनर से दूर हो जाए तो ये गाना उसके लिए एकदम परफेक्ट है, क्योंकि बारिश हो जाए तो बिन साजन इस मौसम का क्या मजा है। गाने में जीतन अमान और मनोज कुमार नजर आए थे। जरा सोचिए कि बंगाल की सब्जी में या फिर बंगाल की दाल में अगर लग जाए साउथ का तड़का तो फिर क्या होगा। जी हाँ, वही होगा जो भी बैरिस्टर बाबू में हो रहा है, क्योंकि लीव के बाद हमारी बौंदिता बड़ी क्या हुई, उसके अंदर तो साक्षात चेन्नई एक्सप्रेस के मनम्मा आकर समा गई। देखिए उनका ये अंदाज जो है बड़ा मजेदार। अब ये तो हम सब जानते हैं कि बैरिस्टर बाबू की जो बौंदिता है वो बैजंती बनकर आई है और बैजंती बनकर अपने पति देव के सामने कैसे लटके झटके दिखा रही है। कहीं ये सपना तो नहीं? अयो रामा बैजंती, तुम ये क्या करती? अरे मतलब कि अब बैजंती ऐसे ही बात करती है जैसे फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस में मिनम्मा किया करती थी।
अब आजकल टीवी पर बैजंती खूब छाई है। उनकी भाषा, उनका लुक, सब कुछ चेन्नई एक्सप्रेस की दीपिका पादुकोण की याद जरूर दिलाएगा। अब वो क्या है ना कि वो अपने बैरिस्टर बाबू से मिलने के लिए गई है और उन्हें वो थोड़ा परेशान भी कर रही है, क्योंकि बैजंती ये देखना चाहती है कि क्या अनिरुद्ध उसे अभी भी उतना ही प्यार करता है। अरे इसलिए तो वो झूठ का नाटक भी कर रही है कि उसे किसी लड़के से मिलने जाना है, और अनिरुद्ध है कि बेचारा समझ नहीं पा रहा। लेकिन अनिरुद्ध बाबू, आपको क्या पता कि बैजंती आज आपको छेड़ने के मूड में है। और देखिए, यहाँ तो बैजंती अनिरुद्ध से अपनी तारीफ भी करवा रही है। अब वो क्या है ना, बोंदिता ये जानना चाह रही है कि अनिरुद्ध के दिल में आखिर बोंदिता के लिए प्यार है या नहीं। धीरे धीरे वो बैजंती बनकर दिल जीतेगी अनिरुद्ध का, और जब उसके बाद उसे लगेगा कि सही मौका आ गया है बैरिस्टर बाबू को ये बताने का कि बैजंती ही उसकी बोंदिता है, तो वो ये कदम जरूर उठाएगी। हाय दैया लड्डू के भैया, अरे हाँ सही पकड़े हैं, हम बात कर रहे हैं सीरियल भाभी जी घर पर है कि अंगूरी भाभी, यानी कि शुभांगी अत्रे की। अब पिछले कुछ समय से शुभांगी लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं। जी हाँ, शुभांगी का एक इंटरव्यू पिछले दिनों काफी चर्चाओं में रहा था। अब इंटरव्यू में शुभांगी ने क्या कहा था ये हम आपको बाद में बताएंगे, पहले जान लेते हैं कि एक्ट्रेस फिलहाल सुर्खियों में क्यों है। टीवी सीरियल भाभी जी घर पर है में अंगूरी भाभी के किरदार में नजर आने वाली एक्टर शुभांगी अत्रे ने सोशल मीडिया पर एक शॉर्ट वीडियो डाला है जो कि काफी वायरल भी हो रहा है। इस वीडियो में शुभांगी के साथ ही शो में उनके पति तिवारी जी का किरदार निभाने वाले रोहिताश गौर भी नजर आ रहे हैं। वीडियो में शुभांगी और रोहिताश सॉन्ग एक बार पर्दा हटा दे शराबी देख फिर होता है क्या पर थिरकते नजर आ रहे हैं। शुभांगी ने इस गाने पर झूमते हुए इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। इस वीडियो में शुभांगी ने लाल रंग का शरारा पहना है। वहीं इस वीडियो पर अंगूरी भाभी यानी कि शुभांगी के फैंस इमोजी शेयर कर अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले शुभांगी अत्रे का एक इंटरव्यू भी काफी चर्चा में रहा था। इस इंटरव्यू में एक्ट्रेस से पूछा गया था कि क्या आप कभी शिल्पा शिंदे से मिली हैं? आपको बता दें कि भाभी जी घर पर है में अंगूरी भाभी का किरदार पहले शिल्पा शिंदे ही निभाती थी। शिल्पा ने अंगूरी भाभी के किरदार को घर घर में पॉपुलर किया था। बहरहाल पूछे गए सवालों के जवाब में शुभांगी ने कहा था कि उनकी शिल्पा से मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन उनके और शिल्पा के बीच कोई मतभेद नहीं है और एक दिन वो शिल्पा से जरूर मिलना चाहेंगे। आपको बताते चले कि भाभी जी घर पर है सीरियल आज घर घर में पॉपुलर है। इस टीवी सीरियल में अंगूरी भाभी का किरदार शुभांगी पिछले 5 सालों से निभा रही हैं। लाखों करोड़ों फैंस के दिलों पर राज करने वाले बॉलीवुड स्टार्स, जो कि अपने स्टार स्टेटस के हिसाब से फीस भी चार्ज करते हैं और सालाना ये सितारे करोड़ों पैसे कमाते हैं, वहीं अपनी मेहनत की कमाई को ये स्टार समझदारी के साथ प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट करते हैं। इस लिस्ट में सलमान खान से लेकर शाहरुख खान, शिल्पा शेट्टी जैसे स्टार्स दुबई में आलिशान घरों के मालिक हैं। और आपको बता दें कि इन घरों की कीमत करोड़ों में है। आज हम अपनी रिपोर्ट में आपको बताएंगे इन सितारों के दुबई वाले बंगलों के बारे में। बॉलीवुड के बादशाह कहलाने वाले शाहरुख खान देश से लेकर विदेश तक में कई आलिशान बंगलों के मालिक हैं। मुंबई में शाहरुख खान का बंगला मन्नत किसी महल से कम नहीं है, तो वहीं लंदन में शाहरुख खान का करोड़ों का अपार्टमेंट भी है। मुंबई और लंदन के अलावा दुबई में भी बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख ने अपने सपनों का आशियाना बनाया है। दुबई के पाम जुमेरा में किंग खान का शानदार बंगला है। शाहरुख अपने शेड्यूल से जब भी फ्री होते हैं तो वक्त निकाल कर अपने परिवार के साथ दुबई जाते हैं और इसी घर में रुकते हैं। बता दें कि कुछ समय पहले ही शाहरुख खान का जन्मदिन भी दुबई में खास अंदाज में मनाया गया था और शाहरुख को सबसे खास ट्रिब्यूट देते हुए बुर्ज खलीफा पर शाहरुख का नाम लिखकर उन्हें बधाई दी गई थी।
बॉलीवुड की मोस्ट फिटेस्ट एक्ट्रेस में से एक शिल्पा शेट्टी कुंद्रा को आलीशान और खूबसूरत घर बेहद पसंद है। राज कुंद्रा भी अपनी बीवी के शौक को पूरी शिद्दत के साथ पूरा करते हैं। मुंबई में किनारा तो लंदन में राजमहल के बाद राज ने शिल्पा को दुबई में भी एक फ्लैट गिफ्ट किया था। वहीं 2010 में राज ने शिल्पा को अपने वेडिंग एनिवर्सरी के मौके पर दुनिया की सबसे बड़ी इमारत बुर्ज खलीफा के 140वें माले पर फ्लैट गिफ्ट किया था। लेकिन बाद में शिल्पा ने ये फ्लैट बेचकर दुबई के सबसे पॉश इलाके कहे जाने वाले जुमेरे में एक बंगला खरीद लिया। बच्चन परिवार के दोनों बंगलों जलसा और प्रतीक्षा के चर्चे तो आप खूब सुने होंगे, लेकिन शायद आप ये नहीं जानते होंगे कि ऐश्वर्या और अभिषेक बच्चन ने भी अपने लिए दुबई में आलिशान बंगला खरीदा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अभिषेक और ऐश्वर्या का सेंचुरी फॉल्स में शानदार बंगला है। खास बात ये है कि अभी और ऐश का ये बंगला रिजॉर्ट स्टाइल में बना हुआ है। इन दोनों ने इस बंगले को साल 2013 में खरीदा था। दुनिया भर में सैर कर चुके सलमान खान को दुबई शहर बेहद पसंद है। दुबई को सलमान अपना सेकंड होम बताते हैं। यूलिया वेंटूर के साथ सलमान को कई बार दुबई की दुकानों और मॉल्स में शॉपिंग करते हुए देखा गया है। सलमान को दुबई से इतना प्यार है कि यहाँ उन्होंने अपने लिए आलिशान बंगला खरीदा हुआ है, जहाँ वो अपने परिवार और दोस्तों के साथ अक्सर छुट्टियां बिताने जाते हैं। सलमान के अलावा उनके छोटे भाई सुहेल खान ने भी दुबई के बुर्ज पैसिफिक में अपने लिए अपार्टमेंट खरीदा हुआ है। बॉलीवुड के एकास कपूर यानी कि अनिल कपूर का बदल दुबई में बसता है। 2017 में कपूर परिवार ने दुबई में अपने लिए 2-बेडरूम फ्लैट बुक किया था। अनिल कपूर ने खुद एक इंटरव्यू में बताया था कि एक्टर होने के नाते उन्हें बिजनेस की ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन उनकी पत्नी सुनीता कपूर इस मामले में अच्छी जानकारी रखती हैं। सुनीता कपूर ने अपने परिवार के लिए ये फ्लैट बुक किया था। बॉलीवुड गपशप में फिलहाल के लिए इतना ही। धमाकेदार एंटरटेनमेंट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।